Hey guys, welcome back to Super Mom. I'm Bhavna, mom of two kids. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी के हर मंथ होते हैं उनके अंदर कितने कितने वीक होते हैं. यूजुअली सबको लगता हो कि 9 months की प्रेगनेंसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मंथ में जो है 4 वीक होंगे, बट नहीं guys, जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक की होती है इंस्टेड ऑफ 36 वीक. अगर हर महीने में 4 हफ्ते होंगे तो प्रेगनेंसी तो है वो 36 वीक की बन गई, लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक की होती है. ठीक है ना, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने लगी हूँ कि किस तरह से जो है कैलकुलेशन होती है, किस मंथ में जो है कितने वीक होते हैं. आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस, प्रेगनेंसी में क्या होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्रेमेस्टर में पहले 3 महीने आते हैं, सेकेंड ट्रेमेस्टर में जो है बाद के 3 महीने यानी 4, 5 और 6 मंथ जो है सेकेंड ट्रेमेस्टर में आता है, और थर्ड ट्रेमेस्टर में हमारा आता है 7, 8 और 9 मंथ. ठीक है, अब इन मंथ्स में क्या है, अलग अलग वीक होते हैं, तो कितने वीक से कौन सा मंथ बनता है अब मैं आपको ये बताऊंगी. तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेगनेंसी है उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रेमेस्टर की. फर्स्ट ट्रेमेस्टर में जो है 3 मंथ्स होते हैं यानी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ. तो जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर क्या होता है, आपके 4 वीक्स होते हैं. प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में 4 वीक होंगे, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में भी 4 वीक होंगे, लेकिन जो प्रेगनेंसी का आपका थर्ड मंथ होगा उसके अंदर क्या होगा, आपके 5 वीक होंगे. यानी कि फर्स्ट से 4 वीक जो है आपका फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी में आएगा, सेकेंड मंथ में आपका आएगा 5th वीक, 6th वीक, 7th वीक और 8th वीक, थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी में आपका आएगा 9, 10, 11, 12, 13. 13 वीक तक की जो आपकी प्रेगनेंसी है ये आपका फर्स्ट ट्रेमेस्टर होगा. अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्रेमेस्टर की. सेकेंड ट्रेमेस्टर में आपके आएंगे 4th मंथ, 5th मंथ एंड 6th मंथ. तो जो 4th मंथ होगा उसके अंदर आपके 4 वीक होंगे, यानी कि हमारे जो 13 वीक थे वो हमारे फर्स्ट ट्रेमेस्टर में आ गए. ठीक है, अब क्या होगा, जो 4 मंथ स्टार्ट होगा, 4 मंथ में आपका शुरू होगा 14, 15, 16 और 17. 17 वीक तक जो है आपका 4 मंथ होगा. उसके बाद क्या होगा, जो 5th मंथ होगा वो आपका होगा 18 वीक, 19 वीक, 20 वीक और 21st वीक. ठीक है, इस तरह से जो आपका 6th मंथ होगा वो होगा 22, 23, 24, 25, 26 वीक तक आपका 6 मंथ होगा. फिर थर्ड ट्रेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और थर्ड ट्रेमेस्टर में आपका होगा 7, 8 और 9 मंथ. तो जो 7 मंथ में आपके इंक्लूड होंगे 27 वीक, 28 वीक, 29 वीक और 30 वीक. उसके बाद आपका 8 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, 8 मंथ में आपका होगा 31 वीक, 32, 33, 34, 35 वीक तक आपका होगा 8 मंथ. और उसके बाद आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा और वो होगा 36, 37, 38, 39 और 40. तो इस तरह से क्या है, हमारी बन गई 40 वीक की प्रेगनेंसी जिसमें 9 मंथ और 3 ट्राइमेस्टर होते हैं. आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम यूजर नेम इज supermom9163 और मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रही हूँ, वहां जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. एंड गाइज, मैंने और भी काफी सारी वीडियो बनाई हुई है प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी पे, चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर. आप जाके जरूर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखें कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या कैरी करना चाहिए जब आपकी डिलीवरी होने लगे, डिलीवरी के बाद क्या क्या केयर करनी चाहिए कि आपका बेली फैट बिल्कुल भी ना निकले, और सेकेंड बेबी कब प्लान करना चाहिए, प्रेगनेंसी में कौन कौन से अलार्मिंग साइन होते हैं कि जिनके होने पर आपको जो है अपने डॉक्टर से एकदम जाके मिलना चाहिए बिना डिले करे. मैंने मोर वीडियोज आर अपलोडेड ऑन माई चैनल, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, चेक करिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगी. अगर वीडियो पसंद आई हो देन गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मैनी मोर वीडियो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.